हाय एवरीवन, आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ पोटैटो बेच कटलेट की रेसिपी को। ये कटलेट खाने में काफ़ी टेस्टी लगते हैं और बनाने में बेहद ही आसान है। आइए देखते हैं इन पोटैटो बेच कटलेट को आज हम कैसे बनाएंगे। पोटैटो बेच कटलेट बनाने के लिए हमने 3 बड़े साइज के आलू को बॉयल करके इसके छिलके उतार करके हमने इसे पूरी तरह से ठंडा कर लिया है। अब हमें इन आलुओं को ग्रेटर से ग्रेट करना है। अब हम ये ग्रेटर लेंगे और ग्रेटर से हम आलू को बढ़िया से ग्रेट कर लेंगे। आलू को आप पूरी तरह से ठंडा कर लीजिएगा, तभी आप इसे ग्रेटर से ग्रेट करिएगा। यदि आप चाहें तो इन आलुओं को गर्म पर ही मैश भी कर सकते हैं, पर मैश करने के बाद आलू में बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए। लेकिन गर्म आलू का इस्तेमाल हमें बिल्कुल भी नहीं करना है कटलेट बनाने के लिए। ये एक ज़रूरी पॉइंट है, पोटैटो बेच कटलेट बनाते समय इसका आप ध्यान रखिएगा। इसी तरह से हमें सारे आलू को ग्रेट करना है। और ये लीजिए, हमने सारे आलू को बढ़िया से ग्रेट कर लिया है। अब इस कटलेट को और भी ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी बनाने के लिए हम इसमें कुछ मसाले और सब्जियां ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक, लहसुन और मिर्च कुटा हुआ। इससे कटलेट में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और एक बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे, खूब सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया जाएगा, एक बारीक कटा हुआ गाजर और एक बारीक कटा हुआ हम इसमें चुकंदर ऐड करेंगे। आप अपनी पसंद की इसमें कोई भी सब्जी ऐड कर सकते हैं। आप इसमें बीन्स, पत्ता गोभी भी ऐड कर सकते हैं बारीक चॉप करके। इन्हें डालने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून जीरा और 1 टीस्पून रंग के लिए हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक जाएगा। और अब हम इसमें थोड़ा सा हींग ऐड करेंगे। और इसी के साथ ही अब हम इसे और भी ज़्यादा चटपटा बनाने के लिए एक नींबू का जूस डालेंगे। इसकी जगह पर आप अमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। सारी चीज़ों को हम बढ़िया से मिला लेंगे। सब्जियों और मसालों को आलू के साथ में मिलाने के बाद अब हम इसे बाइंडिंग देने के लिए इसमें हम 4 बड़े चम्मच बेसन ऐड करेंगे। बेसन हम इसमें आवश्यकता अनुसार ऐड करेंगे। आप बेसन की जगह पर अरारोट या फिर कॉर्नफ्लोर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसे बाइंडिंग देने के लिए। अब हम बेसन को भी मिक्सचर के साथ में बढ़िया से मिला लेंगे। बेसन को मिलाने के बाद हम इस कटलेट को एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनाने के लिए इसमें हम पोहा पीस करके ऐड करेंगे। पोहे की जगह पर आप चावल का आटा भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी कटलेट काफ़ी क्रिस्पी बनते हैं। अब हम पोहे को भी बढ़िया से मिला लेंगे। हमने इसमें अभी 2 बड़े चम्मच पोहा ऐड किया है। यदि हमें और आवश्यकता होगी तो और हम इसमें ऐड करेंगे। फिलहाल हमें और आवश्यकता नहीं पड़ी है पोहे की। और ये हमारा जो मिक्सचर है तैयार हो चुका है। हाथों में हम थोड़ा सा तेल या घी लगा लेंगे ताकि मिक्सचर हमारे हाथों में ना चिपके। हाथों में हम थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे, इसे हथेली के बीच में रखते हुए इसे हम चिकना करते हुए सिलेंडर शेप देंगे। हम कटलेट बनाने वाले हैं इसलिए हम इसे सिलेंडर शेप दे रहे हैं। यदि आप चाहें तो इसे टिकिया की शेप में या फिर आप इसकी छोटी छोटी बॉल्स भी बना के तैयार कर सकते हैं। और ये एक कटलेट बन के तैयार हो चुका है। इसी तरह से हम सारे ही कटलेट बना के तैयार कर लेंगे। इस नाश्ते की खास बात ये है कि आप इसे पहले से बना करके फ्रिज में रख लीजिए, जब आपको इसे खाना हो तब आप इसे डीप फ्राई करके खा सकते हैं। और ये लीजिए, हमने सारे ही कटलेट बना के तैयार कर लिए हैं। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। कटलेट को फ्राई करने के लिए हमने तेल को गर्म होने के लिए रख दिया है। तेल बढ़िया से गर्म हो गया है। अब एक बार में जितने कटलेट आएंगे उतने हम डाल करके फ्राई कर लेंगे तेल में। और एक ज़रूरी बात यह है कि शुरू में हम इन्हें बिल्कुल नहीं टच करेंगे, नहीं तो ये टूट करके बिखर जाएंगे। जब ये एक साइड से सिक जाएंगे तभी हम इन्हें पलटेंगे। ये एक ज़रूरी बात है, इसका आप ध्यान रखिएगा। और एक ज़रूरी बात यह है कि हम इन कटलेट को बिल्कुल भी हाई फ्लेम पे नहीं फ्राई करेंगे, नहीं तो ये तेल में जाते ही लाल हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। हम इन्हें मीडियम टू लो फ्लेम पर अलटते पलटते हुए सुनहरा कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। और ये फर्स्ट बैच के कटलेट फ्राई हो चुके हैं, इन्हें हम तेल से अलग कर लेंगे। इन्हें हम टिश्यू पेपर पर रखेंगे ताकि जो भी एक्स्ट्रा तेल हो सोख हो जाए। और सेम प्रोसेस से हम बाकी के भी कटलेट को फ्राई कर लेंगे। इन कटलेट की खास बात यह है कि आप इन्हें पहले से बना के रख लीजिए, जब आपको इन्हें खाना हो तब आप इन्हें फ्राई करके खा सकते हैं।
आप इन पोटैटो वेज कटलेट को पार्टी के स्टार्टर में भी सर्व कर सकते हैं। यदि आपके घर में कोई छोटी पार्टी है, किट्टी पार्टी है, तो आप इन्हें सर्व कर सकते हैं बना करके। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बनाने में बहुत ही आसान है। और ये हमारे लास्ट बैच के कटलेट भी फ्राई हो चुके हैं, इन्हें भी हम तेल से अलग कर लेंगे और अब हम इनकी प्लेटिंग करेंगे। और ये लीजिए, पोटैटो वेज कटलेट बनके तैयार हैं खाने के लिए। ये ऊपर से काफ़ी क्रंची होते हैं और अंदर से एकदम नरम होते हैं। पोटैटो वेज कटलेट की ये रेसिपी दोस्तों यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आगे आप कौन सी नई रेसिपी देखना चाहते हैं। साथ ही दोस्तों, यदि आप हमारी रेसिपीज़ को हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आप इसे हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को ज़रूर फॉलो करिएगा। लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। और अपने एक्सपीरियंस नीचे हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं फिर से मिलती हूँ इसी तरह से अपनी नई वीडियो के साथ। थैंक यू।